Hello, good evening all. वेलकम टू द लूडो सीरीज दैट इज लूसेंट। इसमें अपन पेज बाय पेज कवर अप करने की कोशिश कर रहे हैं और अभी तक अपन हिस्ट्री ज्योग्राफी कवर अप कर चुके हैं। फिजिक्स अपनी हो चुकी है, केमिस्ट्री मॉर्निंग में चलेगी और ये अपनी चल रही है बायोलॉजी इन द इवनिंग। सो एंड आवर टारगेट इज HS प्रीलिम्स टू बी क्वालिफाइड। एंड प्रोसीड कैसे करना है, यू कैन टेक योर बुक एंड मार्क जो इंपॉर्टेंट चीजें बताई जाती हैं साथ में आप कर सकते हैं। फैक्ट वी विल ट्राई टू लर्न विद द बुक्स विद द ट्रिक्स एंड योर पार्टिसिपेशन, आपको आंसर करना है जब भी सवाल पूछा जाए। एंड दिस इज अबाउट मी, माई नाम इज डॉक्टर अमित। और ये अकेडमी की ऐप को आप डाउनलोड कर सकते हैं। वी आर हैविंग अ टेस्ट ऑन 1st of May, स्कॉलरशिप टेस्ट फॉर सुपर 45 बैच फॉर HCS। And if you're new to our channel, you can subscribe Dr. Amit Academy. So let us start. आज का मुद्दा अपना शुरू करते हैं। And before starting, मैंने कल कहा था कि कल अपन इसमें से 5 सवाल मैं आप लोगों को दूंगा और उसके बाद अपन प्रोसीड करेंगे। So कौन कौन जुड़ गया है? सुमन, कल्पना, सरिका, विकास, संजीव, ऋषु, शशि, पलक, निशांत, गुलशन, सचिन अगेन, निभा, निशांत, योगेश, राहुल, ममता, दीक्षा, नेहा, रामगोपाल एंड सतबीर, यशिका, अजीत, गुड इवनिंग, नीतू, अजीत अगेन गुड इवनिंग, देन ओके चलो ठीक है। योगेश, अभी कैसी है तबीयत आपकी? ठीक है, तो चलो भाई अब शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट। देखो पहला तो गुड इवनिंग आरती, अंकित गुड इवनिंग। चलो ठीक है, तो मैं सवाल 5 आपको दिए जाएंगे। ठीक है, तो पहला सवाल आपके लिए है अपने किस्म, हाँ, जेरोंटोलॉजी। जेरोंटोलॉजी, जेरोंटोलॉजी क्या होता है? यह है फर्स्ट, ये कमेंट कर रहे हैं जेरोंटोलॉजी। ठीक है, अंकित एन भारती गुड इवनिंग। जेरेंटोलॉजी फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है ऑर्थोपेडिक्स। ऑर्थोपेडिक्स क्या है आपका? यह है सेकंड। ठीक है, सेकंड इज ऑर्थोपेडिक्स। फिर ओके, थर्ड आपके लिए है, लेट मी सी, कैलोलॉजी, ये बताना है। ठीक है, एजिंग बॉन्स, नाइस, ठीक है, आंसर करते रहो। ठीक है, कोई इसमें ज्यादा वो तो है नहीं। और फोर्थ है स्टडी ऑफ आंट्स को क्या बोलेंगे? स्टडी ऑफ आंट, आंट्स जो है आपकी, आंट्स की स्टडी को क्या बोलते हैं? फोर्थ एंड फिफ्थ एंड द लास्ट जो अपना है वो है गायनेकोलॉजी क्या है। ओके नेट इश्यू, शशि ठीक कर लो नेट को। कैलोकाया बॉडी, वाओ। नॉन मेडिकल वाले बायो यहीं से पढ़ेंगे जहां से हम लोग पढ़ रहे हैं, सारे नॉन मेडिकल के ही हैं यहाँ पे। शुभम, फीमेल रिप्रोडक्टिव, स्टडी ऑफ आंट, स्टडी ऑफ आंट का अभी तक एक ही आंसर आया शायद। स्टडी ऑफ फीमेल, ठीक है, 1, 5। मिर्मेकोलॉजी, ठीक है, वर्षा, और एक और पहले आंसर आया था, नाइस, भारती का भी आ गया। एंटोमोलॉजी, एंटोमोलॉजी नहीं है, एंटोमोलॉजी इंसेक्ट्स की है नया, और ये अलग है, मिर्मेकोलॉजी। ओके विकास, ठीक है, नाइस, गुड। भूमिका, ठीक है, संदीप, ओके डन। चलो अब बड़े सवालों पे आते हैं, नाउ लेट अस स्टार्ट। सब लोगों ने काफी अच्छे आंसर करे हैं, सो अच्छी बात है। आज अभी अपन शुरू करेंगे नेक्स्ट
यहाँ तक अपन ने कर ही लिया था, इनको बार बार देखो, रिवाइज करते रहना। रिविजन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है? तो लेट स्टार्ट नाउ। देखो अब है व्हाट इज लिविंग, तो इसमें देखो पहली लाइन ही क्या लिखी हुई है, द वर्ड लिविंग, नीरज गुड इवनिंग, द वर्ड लिविंग कैन नॉट बी डिफाइंड, ठीक है? तो पहली चीज तो अपने को यही नहीं पता चलता कि लिविंग क्या है, नॉन लिविंग क्या है, ठीक है? तो हम इसी भ्रम में रहते हैं। मॉलिक्यूल्स हैं, एटम्स हैं, एटम्स मिलके मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, मॉलिक्यूल्स मिलके आपके सब्सटेंसेस बनाते हैं, ठीक है? सब्सटेंसेस। अब ये हो सकता है कि नॉन लिविंग है, तो मतलब कोई इंटरेक्शन नहीं हो रहा, बट दो सब्सटेंसेस भी मिलके रिएक्शन करते ही हैं अपने, केमिकल रिएक्शन हम देखते ही हैं, केमिकल रिएक्शन होती है अपनी, ठीक है? अब वही केमिकल रिएक्शन क्या होता है, या फिर बायोलॉजिकल रिएक्शन की फॉर्म में ज्यादा होने लग जाती है, तो एक इंटरेक्शन, ठीक है? तो वो इंटरेक्शन जो है वो अपना एक काइंड ऑफ लिविंग हो जाता है, ठीक है? अब इसमें अपन देखते हैं कि लिविंग और नॉन लिविंग को आपका क्या डिफरेंशिएट करेगा, वो आप देखो, ठीक है? तो बेसिकली हम इसमें यही करेंगे, जैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म वो है जो मोस्टली सोलर एनर्जी को यूज करते हैं, बिना सोलर एनर्जी के क्या अपने यहाँ पे लाइफ हो सकती है? सो इट इज नॉट पॉसिबल। तो इसमें अपन वो सारी चीजें देखते थे, एक तो जो बार बार मैं आपको बोलता रहा हूँ, गोल्डी लॉक जोन्स, ठीक है? और एक होता है एक्सोप्लैनेट। एक्सोप्लैनेट वाला कल भी मैंने सवाल पूछा था, तो एक्सोप्लैनेट ऐसा प्लैनेट जहां पे अपने सोलर सिस्टम से बाहर आपका वो है, क्या बोलते हैं कि भाई लाइफ है, तो लाइफ एग्जिस्ट कर सकती है, तो वो आपका एक्सोप्लैनेट कहलाता है, ठीक है? अब इसमें जो लिविंग वाला है उसके जो जो कैरेक्टरिस्टिक्स रहेंगे, ठीक है? तो वो अपना यहाँ पे क्या रहेगा, पहला तो ग्रोथ, ठीक है? ग्रोथ मतलब क्या है, ग्रोथ इंक्रीज इन द नंबर ऑफ द सेल्स और द मास इज कॉल्ड ग्रोथ, ठीक है? तो ये हो गया। तो पहली चीज जो लिविंग और नॉन लिविंग, तो हम कह सकते हैं कि नॉन लिविंग जो है वो ग्रो नहीं करता, ठीक है? लिविंग जो है वो ग्रो करता है, दस दैट्स इट। उसके बाद थैंक्स, ठीक है, चलो ओके, विकास लगे रहो, ठीक है? पूनम कोई नहीं, ज्वाइन नाउ। सर कॉन्शियसनेस इज द डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग। सतवीर इसमें थोड़ा सा हम मतलब डाउटफुल है, ये और ज्यादा बड़ी चीज हो जाती है कॉन्शियसनेस। अलग अलग जो थिंकर्स हैं वो अलग अलग बातें करते हैं। कॉन्शियसनेस भी जैसे हो सकता है कि जो आपका नॉन लिविंग है आपको लगता है कि इट इज नॉट कॉन्शियस, बट मे बी देर इज अ लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस जो वहां पे है। अब लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस के ऊपर बात करेंगे तो वो एक अलग चीज हो जाएगी। अपने को जर्नल सा रखना है इसको, इसको हम क्या बोलते हैं, इंटेलेक्चुअल डिस्कशन में नहीं लेके जा सकते, ये अपनी बायोलॉजी की क्लास है, इसको जर्नल बातें करके, जर्नल बकवास करके खत्म करना है, दैट्स इट, ठीक है? भैंस की आवाज आ रही है, बगल में भैंस है। रिप्रोडक्शन सेकेंड, देखो रिप्रोडक्शन फर्स्ट चीज तो ग्रोथ, जैसे अब हम थे, हम लोग छोटे थे, धीरे धीरे ग्रो हुए, मल्टीप्लाई होते गए सेल्स एंड ऑर्गेनिजम्स, और वो अपना ग्रोथ हुई। सेकेंड है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन क्या होता है, यंग वंस मतलब पेरेंटल जनरेशन, पेरेंट से हम बने, हम भी कोई ना कोई तो यंग वन छोड़ के ही जाएंगे, तो वो अपना क्या हो जाता है, रिप्रोडक्शन। तो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन जो आप मल्टीप्लाई करते हैं तो वो होता है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन एक लिविंग का फीचर माना जाता है। देन मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म आपने कुछ खाया, आपने उसको पचाया, एंड दिस इज ऑल दैट इज मेटाबॉलिज्म। तो ये जैसे हम हवा भी ले रहे हैं, तो वो ऑक्सीजन जो आप ले रहे हो वो आपका मेटाबॉलिज्म में भी हेल्प करती है, राइट? देन रेस्पॉन्स ऑफ स्टिमुलस, फॉर एग्जाम्पल अभी सचिन ने कहा कि भाई आज तो घर ही हो सर, भैंस की आवाज आ रही है, तो दैट वॉज अ रेस्पॉन्स टू द स्टिमुलाई। स्टिमुलाई क्या था, भैंस की आवाज। तो जैसे ही भैंस की आवाज आई तो सचिन ने रेस्पॉन्स किया, तो मतलब क्या है कि सचिन इज अलाइव, गुड इवनिंग जय। तो ये हो गया। अब इसमें अपन एक एग्जांपल देख रहे हैं, टच मी नॉट, जो इसका किसी को टैक्सोनॉमिकल नेम पता है क्या, टच मी नॉट का? एम और पी, एम से शुरू होता है, सेकंड वाला पी से शुरू होता है, ये कोई बता सकता है तो राइट इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है? तो अब इसमें टच मी नॉट की बात करते हैं, जैसे ही आप उसको छूते हैं वो एकदम से वो हो जाती है। नुपुर वेरी गुड इवनिंग, हाउ आर यू नुपुर, अभी तबीयत कैसी है आपकी? ठीक है, योगेश वाला तो आंसर शायद चला ही गया। टच मी नॉट, ठीक है, छुई मुई, इंग्लिश वाला नाम बताना है, ठीक है? तो अभी ये अपना टच मी नॉट हो गया, तो इसमें ठीक है,
ओके ओके मैमोसा पुडिका, ठीक है, मैमोसा पुडिका। तो गुड इवनिंग, आई एम फाइन, ठीक है, अब आ जाओ। मैमोसा पुडिका ये इसका नाम हो जाएगा, वेरी गुड। हम आते हैं यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो यहाँ पे जनरली क्या होता है कि इतने सारे ऑर्गेनिज्म हैं, उनको एक एक करके स्टडी करना बहुत मुश्किल हो जाता है। सो व्हाट वी डू, एक जैसे जो करेक्टरिस्टिक्स के एनिमल्स हैं उनको अपन कंबाइन कर देते हैं और उनका एक आप क्लासिफिकेशन बना देते हो, किंगडम बना देते हो, जेनर बना देते हो, ठीक है। तो वो अलग अलग तरीके से अपन रख सकते हैं। तो ये एक याद रखना कि द बुक जेनरा प्लानिटेरियम, ये रिटन रिटन बाय बेंथम एंड हुकर, ठीक है, ये एक ध्यान रखोगे। देन फाइव किंगडम का क्लासिफिकेशन इन्होंने किया था 1969 में, प्रपोज किया गया था आर एच विटकर के द्वारा। इसने पांच जो क्लासिफिकेशन किए हैं, ठीक है, तो वो है आपके मोनेरा, प्रोटेस्टा, फंगस, प्लांट और एनिमल। प्लांट और एनिमल तो है ही, ये थोड़ा सा और प्रिमिटिव अपना हो जाता है, ठीक है। तो ये अपने कौन कौन से हैं, देखो मोनेरा, मोनेरा सबसे प्रिमिटिव है, यानी इसमें आपके रहते हैं ऑल प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक क्या होता है, प्रो मींस प्रिमिटिव, तो प्रिमिटिव जिसमें न्यूक्लियस है वो अपना क्या हो जाएगा, प्रोकैरियोटिक, ठीक है। ऑर्गेनिजम्स इसमें कौन कौन से आएंगे आपके, बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया या फिर एरेकनोबैक्टीरिया, तो ये अपने हो गए, ठीक है, ये हो गया है अपना। देन अब इनको आप माइक्रोस्कोप में ही देख सकते हो, बहुत ही छोटे हैं। तो एम फॉर मोनेरा, और मोनेरा में प्रोकैरियोटिक्स आते हैं। देन सेकेंड जो हमारा यहाँ पे है वो है प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा में क्या आएगा, इसमें यूनिसेलुलर फॉर्म ऑफ ऑर्गेनिजम्स जैसे कि अमीबा, ठीक है, जो एक्वेटिक हैबिटेट में आपके मिलते हैं। इनका यूनिक फीचर क्या है, गुड इवनिंग अंजलि, इसका जो यूनिक फीचर है, यूनिक फीचर क्या है, दे आर ऑटोट्रॉपिक। ऑटो मीन्स सेल्फ, ट्रॉपिक इज न्यूट्रिशन, जो अपना खुद का न्यूट्रिशन बनाते हैं, ठीक है। ऑन द बेसिस अपन इनको इस तरीके से डिवाइड करते हैं, पैरासाइटिक, तो ये अलग अलग है, ठीक है। सेप्रोफाइटिक, यानी पैरासाइटिक क्या होता है, जो किसी के ऊपर डिपेंडेंट रहता है वो पैरासाइटिक। सेप्रोफाइटिक जो डेड एनिमल्स पे अपना जीवन यापन करता है वो आपका क्या हो जाएगा, सेप्रोफाइटिक। तो इसके जो एग्जाम्पल्स हैं, डायटम्स, प्लेजिलेट्स और प्रोटोजोआ, ठीक है, ये प्रोटिस्टा के एग्जाम्पल हैं। ओके यहाँ पे एक चीज दी हुई है, युगलीना। देखो युगलीना डायरेक्टली पूछा जा सकता है, इसमें बोथ हेटरोट्रॉपिक और ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन मिलते हैं, तो इसको प्लांट्स और एनिमल्स के बीच में रखा जाता है युगलीना, ठीक है। युगलीना ऐसा ऐसा सही होता है, मतलब कुछ कुछ चप्पल जैसा सा होता है, प्लास्मोडियम भी चप्पल जैसा, युगलीना भी कुछ ऐसा ही होता है, ध्यान इतना ही आ रहा है, ठीक है। अब जो भी सवाल जवाब है वो अपन बाद में लेंगे अंजलि, ठीक है, क्लास के बीच में थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। वंस लेट द क्लास गेट ओवर, और उसके बाद अपन इसको लेते हैं, ठीक है। हितेश गुड इवनिंग। अब इसमें अपना थर्ड है फंगस, ठीक है। फंगस अपना क्या है, जो डेड एनिमल्स पे बेसिकली न्यूट्रिशन लेते हैं, सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, डेड एंड डिकेइंग मैटर पे। एग्जाम्पल मशरूम, म्यूकर, ठीक है। मशरूम तो ध्यान रखना ही रखना है, जिसको अपन इन जनरल भाषा क्या बोलते हैं, आपकी छतरी जो बोला जाता है, ठीक है। मशरूम की तो खेती भी बहुत करी जाती है, डाइवर्सिफिकेशन उसमें आप बात करोगे तो मशरूम की खेती डबलिंग द फार्मर इनकम्स में भी अपन डाल सकते हैं, ठीक है। फिर अपना चौथा आता है प्लांट, और फिफ्थ आता है एनिमल्स, सिंपल। अब देखो इनमें क्या क्या चीजें आपकी रहती हैं, आप जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर, ये जो नोमेनक्लेचर है जनरली इसमें अपन दो चीजें मेंशन करते हैं, एक तो जीनस और एक स्पीशीज। तो जैसे होमो सेपियंस है, तो होमो इज द जीनस, सेपियन इज द स्पीशीज। यहाँ पे जनरली हम होमो सेपियन सेपियंस लिखते हैं, ठीक है, तीन बार। जो मॉडर्न मैन है, मॉडर्न मैन के लिए हम होमो सेपियन सेपियंस लिखते हैं। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द थर्ड सेपियंस जो इसमें ऐड किया जाता है वो आप मुझे बताइए। ये आपके लिए सवाल है, ठीक है। द बेसिक यूनिट ऑफ द क्लासिफिकेशन यहाँ पे क्या होता है, स्पीशीज। स्पीशीज, एक स्पीशीज को सबसे बेसिक यूनिट बोला जाता है, तो उसमें बहुत ज्यादा स्पीशीज आके मिलती हैं, तब मतलब प्लांट है, प्लांट में मल्टीपल ऑफ स्पीशीज, मिलियंस ऑफ स्पीशीज, तो एक उसका जो किंगडम है, तो हाईएस्ट यूनिट क्या हो जाती है, किंगडम, और जो बेसिक यूनिट है वो क्या हो जाती है, स्पीशीज, ठीक है। इंटेलिजेंट एंड द ब्रेन, नाइस, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपका नेक्स्ट जो सवाल आ रहा है, ये आ रहा है कार्लोस लिनियस। कार्लोस लिनियस जो है वो है फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, ठीक है। कार्लोस ने ये बताया था कि भाई ऐसे ऐसे करके
आप अरेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो कुछ साइंटिफिक नेम है इस बॉक्स में दिए हुए हैं जो इंपॉर्टेंट है, आप इनको ध्यान रखेंगे। जो जो मार्क कर रखे हैं, मैन, होमोसेपियंस, कैट, फेलिस डोमेस्टिका, मैंगो, मैग्नीफेरा इंडिका, मैंगीफेरा इंडिका। फ्रॉग का याद रखेंगे राना टिग्रिना, डॉग कैनिस फेमिलियरिस, और काऊ का है बॉस इंडिकस, हाउस फ्लाई मस्का डोमेस्टिका, और पी इज पाइसम सेटाइवो। इनके पूछे जाने की संभावना कम है, 2 और 3 out of 10 में बोलूंगा, बट स्टिल दीज आर कॉमन, तो मैंने इसलिए इनको मार्क कर दिया है कि एटलीस्ट आप इनको तो ध्यान रखोगे ही रखोगे, ठीक है। और बार बार देखने हैं तो ये सवाल बनने की संभावना रहती है, कम है बट रह सकती है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट आते हैं, व्हाट इज स्टडी ऑफ सेल। देखो, साइटो, साइटोलॉजी बोलते हैं हम स्टडी ऑफ सेल्स को। तो फर्स्ट थिंग वी हैव टू नो, सेल जो है वो अपनी बेसिक स्ट्रक्चरल एज वेल एज फंक्शनल यूनिट है। इसका क्या मतलब है? स्ट्रक्चरल मतलब इसी से स्ट्रक्चर बनती है, यानी जो जो भी आपको दिख रहा है एक्स वाई जेड, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि सेल है, सेल से टिश्यू बनते हैं, टिश्यू से ऑर्गन बनते हैं, ऑर्गन से आपका ऑर्गेनिज्म बनता है, ठीक है। फंक्शनल यूनिट जो बेसिक फंक्शन है, चाहे वो ईटिंग का हो, ठीक है, डाइजेशन का हो, एक्सक्रीशन का हो, तो वो सारा का सारा बेसिक फंक्शन आपका कहाँ से आएगा? सेल से ही आएगा, वो भी अपना यही रहता है, ठीक है। हाँ, गुड इवनिंग नवीन। उसमें फिर अपने को आगे क्या चलना है? देखो, ये तो हो ही गया, एक तो सीधा सीधा सवाल ये बन सकता है, सेल टर्म सबसे पहले किसने दी थी? ब्रिटिश साइंटिस्ट रॉबर्ट हुक, ये भी याद रखना है। स्मॉलेस्ट सेल इज माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम, ठीक है, माइकोप्लाज्मा जो मानी जाती है स्मॉलेस्ट सेल। अब यहाँ पे देखो दो चीजें हैं, लॉन्गेस्ट एंड द बिगेस्ट, बिगेस्ट की जगह आपका लार्जेस्ट भी हो सकता है, ठीक है। ह्यूमन बॉडी की भी पूछ सकता है, इन जनरल भी पूछ सकता है। तो ये जो आपकी एग ऑफ ऑस्ट्रिच होता है, ह्यूमन बॉडी में अगर आप लार्जेस्ट कहेंगे तो अपना रहेगा एग ऑफ, जो भी फीमेल अपन बोल सकते हैं, फीमेल ऑर्गेनिज्म या जो भी उसके हिसाब से, ठीक है। तो ये हो गया एग। अब इसमें अपना चल रहा है लॉन्गेस्ट, सबसे लंबा अपनी बॉडी में क्या होता है? न्यूरॉन, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। तो ये 3 4 सवाल यहां से बनते हैं, माइकोप्लाज्मा, न्यूरॉन, एग ऑफ ऑस्ट्रिच, ये सबसे बड़ा है, और ओवम इंडिया में सबसे बड़ा है, ठीक है। गुड इवनिंग करमवीर, रोहित, राम राम एंड अनीता, हेलो। ओवम राइट, वर्षा राइट। अब देखो मेन थ्योरी क्या है सेल थ्योरी, पहला तो ये यही बोल रहा है कि ऑल द ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स। यस डेफिनेटली, ऐसा कोई भी ऑर्गेनिज्म नहीं होगा जिसमें सेल ही ना हो, बिकॉज सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है। देन सेकेंड, बॉडी ऑफ एवरी ऑर्गेनिज्म इज मेड अप ऑफ सेल्स, ठीक है। तो आप मतलब कंपोज ही उसी से होगे तो उसी से ही बनेंगे। ईच सेल अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, ठीक है। तो मतलब इस सेल से पहले भी कोई सेल होनी चाहिए, उससे भी पहले कोई सेल होनी चाहिए, उससे भी पहले कोई सेल होनी चाहिए, एंड एवरी ऑर्गेनिज्म स्टार्ट्स इट्स लाइफ फ्रॉम अ सिंगल सेल। तो ये तो अपने को पता ही है, ठीक है। ठीक है सुश, आज आप रियल में टीचर लग रहे हो, व्हाट डू यू मीन बाय दैट? पहले रियल में टीचर, ये रियल और अनरियल टीचर क्या होता है? नमस्ते ओजस। एंड बिगेस्ट सेल इज ऑस्ट्रिच सेल, यस ओवम। हाँ ओवम आप पूछ रहे हो जी, तो ओवम क्या होता है? एग, जैसे स्पर्म होता है, स्पर्म और एग, ठीक है। स्पर्म क्या होता है? मेल जो रिप्रोडक्टिव सेल हम बोल सकते हैं वो, और ओवम क्या है? फीमेल, जैसे अपन ये बोलते हैं, जैसे लड़कियों में क्या होता है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल जो आती है, तो क्या होता है कि हर मंथ एक ओवम, ओवम हम बोल सकते हैं या एग बोल सकते हैं, ठीक है, सिंपल टर्म्स में एग, एक ओवम आपका रेडी होता है। तो जितने भी सारे के सारे ओवम्स होते हैं उसमें से एक ओवम रेडी होके एवरी मंथ, तो वो मेंस्ट्रुअल साइकिल की फॉर्म में आता है, या तो वो फर्टिलाइज हो जाएगा तो प्रेगनेंसी हो जाती है, नहीं फर्टिलाइज होता तो एवरी मंथ द सेम साइकिल रिपीट्स अगेन एंड अगेन। तो ये है अपना, ठीक है। तो ओवम इज द जो बेसिक फीमेल रिप्रोडक्टिव अपन सेल को बोल सकते हैं, और जो मेल की है उसको अपन क्या बोलेंगे? स्पर्म, ठीक है। तो ये उसके बाद अपना क्या आ रहा है? देखो सेल आर ऑफ टू काइंड्स, तो बेसिकली इसमें अपना क्या रहेगा, एक तो प्रोकैरियोटिक सेल और एक यूकैरियोटिक। यू मैंने बताया था, यू जहां भी आएगा उसका मतलब होता है गुड, ठीक है। तो प्रो इज प्रिमिटिव, तो यहां पे प्रो में सब कुछ प्रिमिटिव ही प्रिमिटिव रहेगा, ठीक है। तो ये सारा का सारा उल्टा पुल्टा है, मतलब देखो प्रिमिटिव सेल में 3 बेसिक स्ट्रक्चर्स रहती हैं, ठीक है, बट इट लैक्स न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। प्रोकैरियोट में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगी क्या? नहीं, ठीक है।
न्यूक्लियर मटेरियल होगा, बट वो कहाँ होगा? उसी साइटोप्लाज्म में। जैसे ये सेल है तो इसी साइटोप्लाज्म में न्यूक्लियर मटेरियल पड़ा होगा, बट अगर इसमें चारों तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हम बना देंगे तो ये जैसे ही मेम्ब्रेन आपकी बच जाएगी तो ये अब क्या कहलाएगा? यूकैरियोटिक। ठीक है, तो इसमें उसके साथ साथ अगर हम बात करें, अगर ये जो साइटोप्लाज्म है इसमें अलग अलग ऑर्गेनेलीज होते हैं जो अभी अपन देखेंगे, प्रोकैरियोट में ये ऑर्गेनेलीज नहीं होते, एब्सेंट होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, गोल्जी बॉडीज। अभी के लिए नाम ध्यान रखना है, सारे के सारे आगे आएंगे। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है प्रोकैरियोट का? वायरस, बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, प्रोकैरियोट्स। ठीक है, नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया यहां पे क्या है? जीरो। ठीक है, और स्मॉलेस्ट जो आपका है वो है माइकोप्लाज्मा। ठीक है, स्वाति हेलो, एंड अजीत कह रहे हैं कि प्लीज रिपीट। देखो अजीत, यहाँ पे मेरे पास दो चीजें, ठीक है, एक है प्रोकैरियोटिक सेल, एक है यूकैरियोटिक सेल। तो जैसे ही मान लो लाइफ का ओरिजिन शुरू हुआ तो हम बोल देते हैं कि सेल बनने लगी, तो एक तो सेल बनी, उसमें सेल मेम्ब्रेन आई, तो उसमें साइटोप्लाज्म आया, साइटोप्लाज्म के साथ उसमें जेनेटिक मटेरियल आना शुरू हुआ। बट अभी ये जो जेनेटिक मटेरियल है ये आपका एनक्लोज्ड नहीं है, यानी इसके चारों तरफ मेम्ब्रेन नहीं है, और इसमें दूसरे भी ऑर्गेनेलीज नहीं है जैसे जो स्पेसिफिक काम करते हैं। जैसे आप मान सकते हो कि ह्यूमन बॉडी में अलग अलग ऑर्गन अलग अलग काम कर रहा है, तो वो स्पेशलाइज धीरे 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 हुई है। ठीक है, तो ऐसे ही जब सेल प्रिमिटिव थी तो यहाँ पे साइटोप्लाज्म ही सारा काम कर रहा है, बाहर से खाना आ रहा है उसको खा रहा है, यहीं पे सब कुछ आपका डाइजेशन हो रहा है और यहीं से एक्सक्रीशन हो रहा है प्रोकैरियोटिक सेल में। बट यूकैरियोट में इनके लिए अलग अलग स्पेसिफिक ऑर्गेनेलीज बन गए छोटे छोटे। ठीक है, तो ये नाम कैसे याद होंगे? बस ऐसे ही देखता जाना है और याद करता जाना है। ठीक है, मतलब यही है बस, और कुछ नहीं है। अब इसमें देख लो, वायरस है, बैक्टीरिया है, साइनोबैक्टीरिया है, तो आजकल अपना कोरोना वायरस तो चल ही रहा है, तो ये अपने क्या है? प्रोकैरियोटिक सेल। ठीक है, अब ये फोटोसिंथेटिक भी हो सकते हैं कुछ केसेस में, वहां पे इनके पास मेम्ब्रेनस वेसाइकल होंगे जिसमें क्या मिलेगा? क्लोरोफिल। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। एक सवाल ये पूछा जा सकता है कि प्रोकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक में कंफ्यूजन है? एक सेकेंड रुको, देखो ये जो आपकी सेल है ये एक सेल है, ये एक सेल है। जब अपनी प्रिमिटिव बनने लगी तो पहले क्या था कि सिर्फ और सिर्फ ये बेसिक है साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म के चारों तरफ सेल मेम्ब्रेन, ये आई अपनी मेम्ब्रेन। ठीक है, ये है सेल मेम्ब्रेन। अभी इसमें क्या है कि न्यूक्लियर मटेरियल ऐसे ही पड़ा हुआ है। ठीक है, मतलब सिर्फ पड़ा हुआ है बाहर, और यहां पे मान लो कुछ फूड है, फूड आया खाया, ठीक है, और बाहर एक्सक्रीशन भी हुआ, तो ये सारे के सारे काम कहाँ हो रहे हैं? सेल के अंदर ही हो रहे हैं, कोई स्पेसिफिक यूनिट्स नहीं है यहाँ पे अंदर। जबकि यूकैरियोट क्या है? यू मीन्स गुड, तो यूकैरियोट में क्या होगा? ये जो मेम्ब्रेन है ये भी हाईली डेवलप्ड है, अंदर एक हाईली डेवलप्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, सेल्स का अंतर है, और ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है इसी के अंदर आपका न्यूक्लियर मटेरियल मिलेगा, ये मटेरियल। ठीक है, और इसी मटेरियल के अंदर अब यहाँ पे जो साइटोप्लाज्म है आपका, ये जो साइटोप्लाज्म है सारा का सारा, इसी साइटोप्लाज्म के अंदर मेरे अलग अलग, जैसे ये है, ये ऐसे 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 माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया है जो इसको अभी निवा बोल रही थी, पावर हाउस ऑफ सेल, पावर हाउस, क्योंकि सारी की सारी एनर्जी आपकी यहीं से ही निकलती है। ठीक है, फिर इसमें यहाँ पे और भी होते हैं इस टाइप के, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सारे अभी अपन देखेंगे, बट अभी के हिसाब से ये ध्यान में रखना है कि इतने स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स यूकैरियोट में तो स्पेसिफिक स्ट्रक्चर है, और प्रोकैरियोट में, प्रो मतलब प्रिमिटिव, सबसे प्रिमिटिव, यहाँ कुछ नहीं है, सिर्फ एक सेल मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियर मटेरियल भी पड़ा हुआ है, जबकि यहाँ पे जो माइटोकॉन्ड्रिया है आपका वहां पे भी आपको न्यूक्लियर मटेरियल मिलेगा। ठीक है, या साइटो साइटोसोम्स और ये सब होते हैं आपके क्रोमोसोम्स, सॉरी वो क्लोरोफिल वगैरह वाले, तो वहां पे भी आपको न्यूक्लियर मटेरियल मिल जाता है। बेसिकली फर्क क्या है? स्ट्रक्चर का, बहुत ही स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर जो है वो है यूकैरियोट सेल की, गुड न्यूक्लियस, गुड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और जो प्रिमिटिव स्ट्रक्चर है वो है प्रोकैरियोट।
यहां पे अपने एग्जाम्पल क्या है, वायरस, बैक्टीरिया एक्सेट्रा, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर नाउ। तो अब देखो, अब अपन इसी में आएंगे नेक्स्ट। तो ये कह रहा है कि यूकैरियोट क्या होता है। यूकैरियोटिक सेल कंप्लीट सेल है जिसमें आपके मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स जो मैंने अभी अभी बनाए थे, ठीक है, और आपके यहां पे ऑर्गेनेल्स हैं, ठीक है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स, न्यूक्लियस जो अभी अपन ने देखे हैं। क्वेश्चन क्या आएगा, ये जो डिफरेंसेस हैं ये जो अपन पढ़ रहे हैं इनमें से कुछ भी पूछा जा सकता है, ठीक है, कि भाई माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होगा या एब्सेंट होगा, इस टाइप से, ठीक है। बिगेस्ट सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म जो आपके यूकैरियोट्स में है वो है एसिटा बुलेरिया। अब इनमें क्या होता है, डीएनए, ठीक है, डीएनए जो अभी अपन देखेंगे, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, ठीक है, ये टेबल है, ये टेबल ध्यान रखनी है। प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में अंतर, साइज प्रोकैरियोट में स्मॉल, यूकैरियोट में लार्ज, न्यूक्लियस एब्सेंट, यहां पे प्रेजेंट। क्रोमोसोम सिंगल होगा, सर्कुलर शेप में होगा, यहां पे मोर देन वन क्रोमोसोम्स होंगे आपके। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स एब्सेंट, यहां पे यूकैरियोट में प्रेजेंट। सेल डिवीजन टेक प्लेस ऐसे, फिजन और बर्डिंग, फिजन मतलब यहां पे देखो एक अलग से ऐसे निकलाएगा गोला सा, ठीक है, बर्ड्स, बर्ड्स निकलाएंगे। अब वो बर्ड निकल के अलग हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा, ऐसे बनते हैं प्रोकैरियोट में डिवीजन। जबकि इसमें प्रॉपर आपका न्यूक्लियस का सेल मटेरियल, ठीक है, क्रोमो, ये सेंट्रोमियर और ये सब बनेंगे, क्रोमेटिड्स, ये सारे अरेंज होंगे और फिर अलग अलग सेल्स बनेंगे। तो इसमें थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस रहेगा, ठीक है। यूकैरियोट की शेप फिक्स होती है या चेंज हो सकती है, निभा, यूकैरियोट की जो शेप है वो चेंज हो सकती है, नो डाउट अबाउट इट। जैसे अपनी ही मान लो, एनिमल्स में जो सेल्स हैं उनकी शेप चेंज होती है, ठीक है, जबकि जो प्लांट वाली है वो एक डिफरेंट चीज है, वहां पे सेल वॉल होती है, वो इसको शेप को बना के रखती है, ठीक है, तो वो अलग अलग है। उषा गुड इवनिंग, ठीक है। तो यूकैरियोट मींस यू, कैरियो मींस न्यूक्लियस, तो बेसिक टर्म्स में अगर बोलेंगे तो गुड और न्यूक्लियस, ठीक है, कैरियो मींस होता है न्यूक्लियस, ये अपना हो गया। अब ये कह रहा है कि स्ट्रक्चर ऑफ ए टिपिकल सेल, सेल में क्या क्या चीजें होती हैं। सबसे पहले तो देखो, सेल वॉल जो सबसे बाहरी स्ट्रक्चर होती है सेल के सबसे बाहर, हो भी सकती है नहीं भी हो सकती, जनरली ये कहां मिलती है, प्लांट्स में। तो सबसे बाहरी वाली को अपन बोलते हैं सेल वॉल। ये क्या होगी, रिजिड, नॉन लिविंग होगी, फ्रीली परमिएबल, इसमें से मटीरियल आ भी सकता है, जा भी सकता है, परमिएबल मतलब मूवमेंट ऑफ द मटीरियल विल बी अलाउड। एंड अब ये रिजिड है तो ये शेप और रिजिडिटी प्रोवाइड कराएगी, That's it, ठीक है। और ये किसकी बनी हुई होती है, पेप्टिडोग्लाइकन्स, ये सवाल पूछा जा सकता है कि किसकी बनी हुई होती है, पेप्टिडोग्लाइकन्स की, ठीक है। तो पहला हो गया सेल वॉल। अब सेल वॉल के अंदर आपकी क्या होती है, सेल मेम्ब्रेन, जिसको अपन बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये थोड़ी सी, ये भी आउटर कवरिंग है जैसे एनिमल सेल्स की, ठीक है। प्लांट सेल में जनरली बाहर क्या होती है, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन तो सब में होगी ही होगी। अब ये क्या है, ये है थिन, पतली है, इलास्टिक है, मूवेबल है, डबल लेयर ये जनरली होती है, और परमिएबल तो होगी होगी, ठीक है, तो परमिएबल ये होगी है। देन प्रोटोप्लाज्म, ठीक है, यूवी का स्पीड इज वेरी स्लो। एक तो स्पीड के बारे में ना रेगुलर कमेंट्स नहीं करने हैं, ठीक है, स्लो फास्ट कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। जिस स्पीड से प्रोसेस चल रहा है चलते रहने दो, अगर कुछ ज्यादा ही ऊपर नीचे होता है तो समझ में आता है, ठीक है। अब अगर आप बार बार लिखोगे तो मेरा ध्यान उधर ही जाएगा, उसमें फिर गड़बड़ है, मुझे समझ ही नहीं आएगा क्या चीज। अब मैं अपने एक नेचुरल फ्लो में एक्सप्लेन कर रहा हूँ, सो लेट मी डू इट, इसको रेगुलर बेसिस पे ऐसे मत बनाओ, ठीक है युविका, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। अब अपना नेक्स्ट अपना आ रहा है प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। तो अब ये क्या है, सेल मेम्ब्रेन तो होगी, अब अपना आ रहा है प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो भी मटेरियल प्रेजेंट है, ठीक है, तो वो आपका क्या हो जाता है, प्रोटोप्लाज्म। तो ये हो गया द होल फ्लूइड प्रेजेंट इनसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो इसमें आपके क्या क्या हो सकते हैं, वाटर, आयन, सॉल्ट्स या फिर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो ये सारे के सारे हो जाते हैं प्रोटोप्लाज्म। तो प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म के बाहर क्या है, सेल मेम्ब्रेन। प्रोटोप्लाज्म को ही आप साइटोप्लाज्म बोल सकते हैं, तो प्रोटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म, ठीक है, या फिर उसके बाहर सेल मेम्ब्रेन, और उसके बाहर क्या हो सकता है आपका, सेल वॉल, ठीक है। अब जो प्रोटोप्लाज्म है इसको अपन दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक तो साइटोप्लाज्म और एक न्यूक्लियोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म क्या है अपना, ये है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बाहर वाला, ठीक है। तो जो अपन ने सेल देखी थी, सेल में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन था, इसके जो बाहर वाला है वो है साइटोप्लाज्म, और जो अंदर वाला है वो है न्यूक्लियोप्लाज्म। तो न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है।
सर सहलवाल इज मेड अप ऑफ काइटिन और पेप्टिन, ये अलग अलग हो सकती है ठीक है। जो आपकी फंगस वगैरह होते हैं उसमें काइटिन की बनी हुई होती है और पेप्टिडोग्लाइकेंस की भी बनी हुई होती है। मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन एक ही बात है क्या? प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज अ कॉमन टर्म ठीक है, उसमें आपकी ये सेल मेम्ब्रेन इसको वही बोलते हैं, वो सेम ही चीज है। युविका आई एम जस्ट सेइंग, वो ठीक है आई नो यू आर जस्ट सेइंग, बट अगर आप रिपीटेडली उसको बोलते हो तो समटाइम्स इट डिस्टर्ब्स ठीक है। वंस इन अ वाइल ट्वाइस इन अ वाइल, ये फिर वो शेर वाली कहानी हो जाती है ठीक है। आई वॉज एक्सप्लेनिंग इट सम अदर डे कि शेर है तो उसमें फिर मजा नहीं आता ठीक है। एक नॉर्मल प्रोसेस चलता है तो थोड़ा सा ठीक रहता है, बट बार बार करते हैं तो इट इज डिस्टर्बिंग, प्लीज डोंट माइंड इट, बट ये है ऐसा ही है। अब अपना नेक्स्ट अपना क्या आ रहा है, प्रोटोप्लाज्म इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स ठीक है। तो ये तो अपना हो ही गया है। अब इसमें अपन देखेंगे 99% ऑफ द प्रोटोप्लाज्म इज मेड अप ऑफ व्हाट, ऑक्सीजन, ये भी अपने को ध्यान रखना है ठीक है। फिर इसमें कार्बन हो गया 76%, CHON, ये अपने बोले जाते हैं बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स, जैसे कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। अब इसमें अगर हम पानी देखें तो पानी आपका लगभग लगभग 80% होता है किसी भी सेल में ठीक है। अब इसमें हमारे आते हैं और जो दूसरे ऑर्गेनेल्स हैं, अब ये देखते हैं अपन। इसमें जैसे हो गया माइटोकॉन्ड्रिया, तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, सिलेंड्रिकल ठीक है। तो ये सिलेंड्रिकल रोड शेप्ड, रोड जैसा होता है, इसमें डबल लेयर्स होती हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और ये मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर कुछ ही है आपकी, तो माइटोकॉन्ड्रिया भी उनमें से एक है। और इसमें ऐसे क्रिस्टे प्रेजेंट होते हैं जो मैंने उसमें बनाया था, तो इनको अपन बोलते हैं क्रिस्टे फोल्डेड स्ट्रक्चर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। और इसी के अंदर जो मटेरियल प्रेजेंट होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, फ्लूड जो प्रेजेंट होता है उसको अपन बोलते हैं मैट्रिक्स ठीक है। अब माइटोकॉन्ड्रिया आपका कहाँ होता है, यूकैरियोटिक सेल में, ये प्रोकैरियोटिक में नहीं मिलेगा और ये एक बेसिकली प्रोकैरियोटिक सेल का ही हिस्सा हो जाता है ठीक है। फंक्शन क्या है आपका, फंक्शन माइटोकॉन्ड्रिया का क्या होता है, बेसिकली आपका रेस्पिरेशन, जो मान लो मैंने एक सांस ली या ऑक्सीजन ली, अब वो ऑक्सीजन आपका जो रेस्पिरेशन करती है, ऐसे ही एक यूनिट ऑफ सेल में जो रेस्पिरेशन होता है वो कौन करता है, माइटोकॉन्ड्रिया। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को हम क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल ठीक है। और जो एटीपी होती है, ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट ठीक है, तो उसको बोलते हैं एटीपी। और एटीपी अपना क्या बोला जाता है, एनर्जी करेंसी ऑफ सेल। तो एक सवाल यह आ सकता है एनर्जी करेंसी क्या है, एटीपी, एंड एक सवाल यह आ सकता है कि पावर हाउस ऑफ द सेल क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया ठीक है। युविका कैरी ऑन एंड सॉरी, इट्स ओके युविका, मैं मतलब ठीक है, इसमें सॉरी बोलने वाली कोई बात नहीं है, इट्स फाइन। मैं भी एक सिंपली बात बता रहा था, आई नो, और कई चीजें होती हैं, एक प्रोसेस चल रहा होता है तो देखो वंस इन अ वाइल ठीक है, बट मैंने जो फील किया मैंने आपको बता दिया ठीक है। बट इट वाज नॉट लाइक कि मतलब मुझे गुस्सा आ रहा था या व्हाटएवर, वैसा कुछ भी नहीं था, वो भी एक सिंपली फ्लो में बोला गया था, सो नो नीड टू बी सॉरी अबाउट इट, लेट इट बी। चलो ठीक है, एटीपी क्या होता है, एटीपी क्या होता है, इसमें दो चीजें होती है अपनी, एडिनोसिन एडीपी, एटीपी एडिनोसिन डाइफॉस्फेट एंड एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट एटीपी ठीक है। तो ये एटीपी बेसिकली क्या होता है कि एनर्जी यूनिट्स होती हैं, जैसे एनर्जी करेंसी ऑफ सेल जो बोला जाता है वो अपना क्या होता है, एटीपी ठीक है। बस इतना ही ध्यान रखना है, एटीपी एटीपी ठीक है। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट ठीक है, दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ एटीपी, तो ये अपना रहता है ठीक है। तो ये हो गया। अब उसके बाद अपना क्या आ रहा है, गोल्जी बॉडीज। देखो गोल्जी बॉडीज कुछ नहीं होती, ये ट्यूब और वेसाइकल्स की फॉर्म में होती हैं, ऐसी ट्यूब्स या फिर वेसाइकल्स की फॉर्म में ये होती हैं। और वैक्यूल्स, वैक्यूल्स क्या होता है, एक बड़ा सा गोला ठीक है, वो इसमें मिलता है। बेसिकली इनका काम क्या होता है, स्टोर प्रोसेस या पैकेजिंग, जैसे अपन पैकेट्स बनाते हैं, आप अमेजन से कुछ भी डिलीवर करवाते हैं ठीक है, तो वो क्या होता है, पैकेज की फॉर्म में आता है।
तो वो पैकेज क्या है, यही है अपना गोल्जी बॉडी। ये क्या करता है, स्टोर प्रोसेस पैकेज करके उसको एक जगह से दूसरी जगह भेजता रहता है, ठीक है। और यही सेल वॉल भी बनाता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बनाता है, और लाइसोसोम्स भी बनाता है। लाइसोसोम भी अभी अपन देखेंगे। तो गोल्जी बॉडी इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गेनलीज जो सेल के होते हैं, यहीं से आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल वॉल या लाइसोसोम्स बनते हैं। ये चीज याद रख लेना, ये सवाल पूछा जाएगा, ठीक है। और यहीं से आपके इट हेल्प्स इन सिंथेसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट फ्रॉम शुगर या फिर ग्लाइकोप्रोटीन्स। तो जो अपना कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स और प्रोटीन्स होते हैं, तो ये प्रोटीन्स भी यहाँ पे बनते हैं, प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट मिलके ग्लाइकोप्रोटीन, ठीक है। मतलब एटीपी इज लाइक फ्यूल, यस एटीपी इज लाइक फ्यूल, ठीक है, वो फ्यूल हो गया। चलो ठीक है, पढ़ लो यार, ठीक है, बीच बीच में थोड़ा ठीक है, बट माहौल मेक इट लाइट अगेन, ठीक है। चलो टेंस माहौल नहीं करना है, दोबारा से ठीक हो जाओ। अब अपन आते हैं नेक्स्ट, यहां पे ये तो हो गया। अब अपना आ रहा है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। नहीं, इनके साइंटिस्ट याद नहीं करने हैं, साइंटिस्ट की कोई जरूरत नहीं है भारती, यू कैन लीव देम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अपना क्या होता है, बेसिकली आपका जो न्यूक्लियस है, सेल, सेल का न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के यहाँ पे ये चीज अटैच होती है। इसका काम होता है बस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मटेरियल अंदर बाहर करना, मतलब चाहे साइटोप्लाज्म में ही है, ठीक है, और ये भी ट्यूब्यूल की फॉर्म में ही रहता है। तो बस इतना ही ध्यान रखना है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मटेरियल और सपोर्टिंग फ्रेमवर्क, जैसे आपका सपोर्ट करता है तो उसमें, ठीक है, ये हो जाएगा। देन अपने यहाँ पे होते हैं राइबोसोम्स। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है उसके ऊपर छोटे 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 राइबोसोम्स होते हैं, ठीक है, ये यहाँ दिख नहीं रहा होगा। तो ये स्मॉल स्मॉल राइबोसोम्स होते हैं, इनका काम क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसिस का, ठीक है। और ये किसके बने हुए होते हैं, आरएनए, यानी राइबो न्यूक्लिक एसिड। जो अपने दो चीज यहाँ पे है कि भाई टू थिंग्स, डीएनए एंड आरएनए, तो अपना हो जाएगा डीएनए डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड एंड आरएनए राइबोक्सी न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। तो आरएनए और डीएनए, ये जो आपके राइबोसोम्स हैं, आर फोर राइबोसोम्स एंड आर फोर आरएनए, ठीक है, ये हो गया। अब अपना इसमें क्या हो गया, लाइसोसोम। लाइसोसोम क्या है, नेक्स्ट जो हमारा स्ट्रक्चर आ रही है वो आ रही लाइसोसोम, ठीक है यार। अभी चलो ठीक है, योविका प्लीज, चलो ठीक है, अब मैसेज करना बंद करें, ये एक छोटा सा मामला था, इसको ज्यादा अपने को नहीं खींचना है। एवरी यार, सारे के सारे यहाँ पे मतलब बड़े बच्चे बैठे हुए हैं, कोई अपन छोटे बच्चे तो है नहीं। और ये प्रैक्टिकल मतलब थोड़ा सा इसको इतना वो नहीं करना है। सुश प्लीज स्टॉप, एवरीवन प्लीज स्टॉप एनी काइंड ऑफ मैसेजेस, दिस इज अ पर्सनल रिक्वेस्ट, ठीक है। योविका ने समझ लिया, मैंने समझ लिया, दैट्स इट, ठीक है। अपना चलता रहता है, क्लास में भी चलता रहता है थोड़ा बड़ा, ऐसे कोई ज्यादा लोड लेने वाली चीज नहीं है, ठीक है। अब चलो लाइसोसोम्स, लाइसोसोम्स क्या है आपके, लाइसोसोम्स हैं सैक लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। ये ऐसे गोल गोल से सैक्स होते हैं, इनमें क्या होता है, एंजाइम्स होते हैं। अब यही जो एंजाइम्स हैं ये बेसिकली क्या करते हैं, मान लो एक सेल है, सेल स्ट्रेस में है, फॉर एग्जाम्पल कुछ भी हुआ, तो अब जैसे सुसाइडल बैग जिनको बोला जाता है, मान लो पुरानी हो गई है सेल या फिर उसकी एज हो गई है, अब उसको आपको रिमूव करना है, तो उसमें कौन फंक्शन करेगा, लाइसोसोम। तो सीधा सीधा सवाल ये भी पूछा जा सकता है कि सुसाइडल बैग्स ऑफ सेल इज लाइसोसोम, तो ये भी आप याद रखेंगे। सेंट्रोसोम, अब यहां पे आ रहा है सेंट्रोसोम, जैसे अपना सेल डिवीजन होता है, ठीक है, तो एनिमल सेल में ही ये पाया जाता है, सेल डिवीजन के टाइम पे सेंट्रियोल्स होते हैं आपके, जो ये है स्पिंडल फाइबर्स, यहाँ पे क्या होता है कि क्रोमोसोम्स अरेंज होते हैं, ठीक है। तो क्रोमोसोम्स ऐसे अरेंज होते हैं, इनको अपन ये जो गोल गोल ऊपर है, ये गोल और ये गोल, ये होता है सेंट्रियोल्स, ठीक है। और सेंट्रोसोम क्या होता है, क्रोमोसोम के बीच में जो होता है वो सेंट्रोसोम, ठीक है। सब टर्म्स सेम लग रही हैं, थोड़ा सा बायोलॉजी में ऐसा ही रहेगा, इसको बार बार पढ़ना पड़ेगा, जो जो इनका एक एक फंक्शन है, एक एक फंक्शन ही याद रखो बस, ठीक है, ये हो गया।
अब अपने पास नेक्स्ट आ रहा है प्लास्टिड्स। ये एचसीएस में सवाल पूछा गया था लास्ट ईयर, ऐसे सवाल पूछे जाते हैं भाई। ठीक है, इसमें अपने क्या क्या है, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। देखो, क्लोरो इस क्लोरो में मिलेगा क्लोरोफिल, सिर्फ इतना याद रखना है, क्लोरो में क्लोरोफिल। और क्लोरोफिल अपना कौन सा रहता है, ग्रीन पिगमेंट, और यही इसमें किसमें काम देता है, किचन ऑफ द सेल। किचन क्यों, क्योंकि यहीं पे अपना सारा का सारा जो सिंथेसिस है, फूड का सिंथेसिस यानी फोटोसिंथेसिस जो आपका होता है प्लांट में, वो कहाँ होता है, क्लोरोप्लास्ट में। तो यही सवाल लास्ट ईयर पूछा गया था। अब इसका फंक्शन यहाँ पे दिया हुआ है सिंपल, वन लाइनर आपको ध्यान रखना है, खाना बनाना यानी फोटोसिंथेसिस। ठीक है सर, सोरियासिस एग्जाम्पल है क्या लाइसोजोम का? सोरियासिस जो आप सोरियासिस बीमारी के बारे में बात कर रहे हो, जिसमें मतलब दाग से हो जाते हैं, उस बीमारी से रिलेटेड आप पूछ रहे हो क्या योविका? आरएनए में कौन सा सेक्रेट है? क्या करोगे यार, छोड़ो इन सब चीजों को। ठीक है, ओके देन अपना नेक्स्ट जो आ रहा है, ठीक है दीक्षा बाय, गुड नाइट। नेक्स्ट अपना आ रहा है क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट क्या है? क्रोमो मीन्स यहाँ पे अलग अलग रेड या कोई भी येलो है, ठीक है, इस टाइप के कलर्स होते हैं। क्रोमो मीन्स कलर, तो डिफरेंट काइंड ऑफ कलर्स रहेंगे। जैसे एग्जाम्पल याद रखना है, टोमेटो में क्या मिलता है, लाइकोपीन, तो इट प्रोवाइड्स रेड कलर। ठीक है, तो लाइकोपीन रेड कलर। फिर अपना कैरोटीन, कैरोटीन कहाँ पे मिलता है, कैरेट में, इससे कौन सा कलर आता है आपका, येलो एंड ऑरेंज कलर, तो ये याद रखना है। देन फिर हमारा जैसे बीट रूट है, बीट रूट में क्या आता है, बीटानिन। ठीक है, तो ये हो गया बीटानिन। फिर नेक्स्ट थर्ड है अपना ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट क्या है, कलरलेस, तो कलरलेस अपना क्या क्या स्टोर करेगा, स्टार्च, फैट एंड प्रोटीन, तो ये चीज याद रखनी है। ठीक है युविका, यस। देखो सोरियासिस में अब ये एक ऑटो इम्यून टाइप की डिजीज होती है, वहां पे भी ऐसा ही होता है कि भाई आपके जो सेल्स हैं वो आपको डैमेज करने लग जाती है, बॉडी की खुद की ही सेल्स उसके अगेंस्ट रिएक्ट करके उनको धीरे धीरे खत्म करने लग जाती हैं। बट लाइसोजोम अगर अपन देखेंगे तो वो पर्टिकुलरली ऑर्गेनिज्म, मतलब उसी के ही फंक्शन में आप बोल सकते हो वैसे तो, ठीक है, एनिमल सेल्स में ही होता है। तो वो जो लाइसोजोम है पर्टिकुलरली, वो एक सेल को मारता है, जबकि सोरियासिस में क्या है कि एक सेल दूसरी सेल पे अटैक करके उसको खत्म करती है। तो ये छोटा सा फर्क है कि भाई जो लाइसोसोम है वो एक पर्टिकुलरली सेल को मारता है, और सोरियासिस में आपकी एक सेल दूसरी सेल पे अटैक करती है। ठीक है, सर ने वो न्यूट्रिशन के चैप्टर में आता है, कोई नहीं, ये सारी की सारी चीजें आ जाएंगी। ल्यूकोप्लास्ट एग्जाम्पल इज पोटैटो, यस। ल्यूकोप्लास्ट का एग्जाम्पल हम इसमें बोल सकते हैं, जहां पे भी ल्यूकोप्लास्ट एक सेल है, पोटैटो आपका क्या हो गया, पोटैटो में जो मतलब ये जहां पे भी, ठीक है, स्टोर द फूड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। ल्यूकोप्लास्ट सेल के अंदर स्टार्च, फैट और प्रोटीन की फॉर्म में स्टोर होता है। देखो इतना ज्यादा डिटेल में नहीं जाना, ठीक है, सिंथेसिस का क्या मतलब होता है सर, सिंथेसिस ऑफ सेल वॉल, सिंथेसिस का मतलब होता है बनाना, तो सेल वॉल को बनाता है। ठीक है, जो अपन ने देखा था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वगैरह, जो अपन जैसे गोल्जी बॉडीज वगैरह देख रहे थे, ठीक है, तो गोल्जी बॉडीज आपका सेल वॉल का सिंथेसिस करते हैं। सिंथेसिस इज अ प्रोसेस, उसको इन बनाना, ठीक है, सिंथेसिस। फिर अपना यहाँ पे आ गया है वैक्यूल। वैक्यूल क्या होता है, कुछ नहीं, एक सिंपल सा गुब्बारा, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड, जिसमें आपका फ्लूइड होता है। अब ये इसका जो फंक्शन होता है, टॉक्सिक जो मेटाबॉलिक वेस्ट है, टॉक्सिक मेटाबॉलिक वेस्ट को स्टोर करना। ठीक है, तो ये होता है। फिर अपना आ गया न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या है, स्फेरिकली सेंट्रली लोकेटेड, अब ये मेजर स्ट्रक्चर है फाउंड इन द सेल। अब ये कई बार प्लांट में न्यूक्लियस आपका मिलेगा पेरिफेरी में, और जो आपका एनिमल है वहां पे मिलेगा बीच में। ठीक है, बस इतना ही ध्यान रखेंगे। न्यूक्लियस में आपके अलग अलग मटेरियल मिलते हैं, जैसे आरएनए मिलता है,
ठीक है, राइबॉक्सी न्यूक्लिक एसिड या फिर डीएनए मिलेगा, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। आरएनए और डीएनए क्या है, ये बेसिकली हमारे हैं जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर होता है, तो वो होता है अपना जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, और न्यूक्लियस को ही अपन क्या बोलते हैं, कंट्रोल रूम ऑफ द सेल, क्योंकि सारी की सारी जो एक्टिविटीज है वो सारी की सारी कहां से कंट्रोल होती है, न्यूक्लियस से। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ न्यूक्लियस में ही अपना मटेरियल मिलता है, हमने देखा था माइटोकॉन्ड्रिया में भी अपना आरएनए या फिर न्यूक्लियर मटेरियल मिलता है, और माइटोकॉन्ड्रिया भी खुद का प्रोटीन बना सकते हैं, ये चीज भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब एक टर्म आ रही है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अपने पास दो चीजें होती हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट और पैसिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह पे, फॉर एग्जाम्पल ये एक हायर कंसेंट्रेशन है और ये एक लोअर कंसेंट्रेशन है, तो हायर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन में जो मूवमेंट होती है पैसिवली विदाउट एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी, वो होता है पैसिव ट्रांसपोर्ट। जब अगर पर आप उल्टा करोगे, मतलब लोअर कंसेंट्रेशन से हायर में भेजना चाहोगे, तब आपको एनर्जी लगानी पड़ती है, तो उसको क्या अपन बोलते हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। भारती पूछ रही है कि सर ये ओस्मो रेगुलेशन क्या है। भारती, ओस्मो रेगुलेशन एक प्रोसेस हो जाएगा जिसमें ओस्मोसिस, जो अपना प्रोसेस है ओस्मोसिस के थ्रू आप रेगुलेट करते हैं, कहीं पे चीजें ज्यादा है कहीं पे चीजें कम है। ठीक है, तो बस उसको मेंटेन करना जो है अपना, वो हो जाता है ओस्मो रेगुलेशन। ठीक है, जैसे कुछ भी मान लो यार, कि मान लो कहीं टॉक्सिक टॉक्सिन सब्सटेंस ज्यादा हो गए, कहीं पे टॉक्सिन सब्सटेंस ज्यादा है, इन टॉक्सिन्स को यहां से बाहर निकालना है दूसरी जगह, तो ये प्रोसेस क्या कहलाएगा, ओस्मो रेगुलेशन। ठीक है, तो ये हाँ वैक्यूल में लिखा हुआ है ना, वही जो मैं अभी बता रहा हूँ हाइड्रो। ठीक है, तो ओस्मोसिस, ओस्मोसिस के थ्रू रेगुलेशन इज ओस्मो रेगुलेशन, और ओस्मोसिस अपना क्या होता है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से मोमेंट ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, ये हो जाता है बेसिकली, इतना ही ध्यान रखना है। ओके, देन अभी अपन इसमें क्या आते हैं, डिफरेंस बिटवीन द प्लांट एंड द एनिमल सेल। देखो, प्लांट और एनिमल सेल में जो मेजर मेजर डिफरेंस है वो पता होना चाहिए। साइज प्लांट वाले का बड़ा होता है, इसका स्मॉल होता है। सेल वॉल प्लांट में होती है, यहां नहीं होती, और मेड अप ऑफ किसकी, सेलुलोज की और काइटिन की, दोनों की बनी होती है। जो पेप्टिडोग्लाइकन की अपन बात कर रहे थे वही है आपका सेलुलोज, और यहाँ पे काइटिन दोनों की बनी होती है। फंगस की सेल वॉल भी आपकी काइटिन वगैरह की बनी होती है। ठीक है, प्लास्टिड्स, प्लास्टिड एक ऑर्गेनेल ही होते हैं, जो अपन ने देखे थे क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्टिड्स वो थे। ठीक है, वो यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं प्लांट्स में, एनिमल्स में नहीं होते। सेंट्रोसोम जो डिविजन में हेल्प करता है, तो वो प्लांट में नहीं होता, वो एनिमल में होता है। वैक्यूल का साइज भी आपका प्लांट में होता है, जैसे ये अगर एक सेल है, ये इसका न्यूक्लियस है, तो इतना बड़ा वैक्यूल होता है प्लांट में। ठीक है, जबकि अगर आप वो देखोगे एनिमल वाली, तो एनिमल वाली में छोटा सा, ठीक है, छोटा सा वैक्यूल होगा। ओके, तो इसमें ये हो गया। अब सेल, अब ये यहाँ पे अलग अलग चीजें लिखी हुई हैं कि सेल बिकम्स टर्गिड बिकॉज ऑफ एंडोस्मोसिस। एंडोस्मोसिस मतलब अगर उसमें बाहर से अंदर की तरफ मटेरियल आने लग गया, तो वो क्या हो गया, एंडोस्मोसिस। तो एंडोस्मोसिस से टर्गिड हो जाती है, यानी स्टिफ सी हो जाती है सेल, तो ये ध्यान रखेंगे। एंड सेल का वॉल्यूम आपका इंक्रीज होगा अगर आप हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रख दोगे। जैसे ये एग्जांपल एक सेल है, यहाँ पे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है, यानी इसकी कंसेंट्रेशन कम है, सेल की कंसेंट्रेशन ज्यादा है, तो पानी क्या होगा, पानी बाहर से आएगा सेल के अंदर। ठीक है, तो जैसे किशमिश है, किशमिश का अपन एग्जाम्पल लेते हैं, तो किशमिश जैसे ही आप पानी में रखेंगे तो वो फूल जाती है, तो वो इंक्रीज इन द वॉल्यूम हो जाता है। वही क्या चीज है आपका, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखने का आपका वो रहेगा। ठीक है, फिर हमारे नेक्स्ट टर्म आ रही है क्रोमोसोम। देखो क्रोमोसोम क्या होते हैं, बेसिकली क्रोमोसोम होते हैं वो यूनिट या थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है, ऐसे ऐसे होते हैं थ्रेड जैसे। ठीक है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है, ये आपके सेल डिवीजन के टाइम पे ही विजिबल होते हैं, उसके अलावा मोस्ट ऑफ द टाइम ये क्या होता है, इनविजिबल होता है, आपका न्यूक्लियर मटेरियल की फॉर्म में रहेंगे, और ये विजिबल कब होंगे, सेल डिवीजन के टाइम पे। इनमें क्या होती है, बेसिकली जीन्स, और इसी में ही आपका डीएनए होता है, आरएनए होता है। ठीक है, आरएनए हमारा
कुछ वायरसेस में जब आरएनए मिलता है उसको अपन क्या बोलते हैं, रेट्रोवायरस। ठीक है, ऐसे वायरस जिनमें आरएनए मिलता है, रेट्रो वायरस। ठीक है, सेल कैन बी ऑफ एनी शेप, राउंड और स्क्वायर। यस, यू का सेल कैन बी ऑफ एनी शेप, किसी भी टाइप की हो सकती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। अब यही जो क्रोमोसोम्स हैं, यही अपने ट्रांसफर होते हैं। जैसे अपन बात करते हैं, मान लो एक्स क्रोमोसोम, एक्स एक्स क्रोमोसोम, एक्स वाई क्रोमोसोम, फीमेल्स में एक्स एक्स होता है, मेल्स में एक्स वाई होता है। तो यही जो क्रोमोसोम्स है वही अपने चलते हैं नेक्स्ट टू नेक्स्ट जनरेशन। इस क्रोमोसोम किसका बना हुआ होता है, डीएनए एंड प्रोटीन का। इनकी एक प्रॉपर्टी होती है सेल्फ रेप्लिकेशन, एक क्रोमोसोम से दूसरा क्रोमोसोम बनेगा और फिर वो डिवाइड होके, मान लो ये एक क्रोमोसोम था, ठीक है, अब इसका यू का यू रेप्लिकेट बन गया दूसरा। अब वो दूसरे क्या होता है कि एक एक सेल में चला जाएगा, एक दूसरे सेल में चला जाएगा। तो ये अपना ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब हमारा यहाँ पे है यूकैरियोटिक सेल जो होती हैं, वहां पे डेफिनेट नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं और वो पेयर में मिलता है, यानी कभी भी एक नहीं मिलेगा, पेयर। जैसा अभी कोरोना लिख रहा है 23 पेयर्स, तो 23 यूनिट्स नहीं मिलते हैं। अगर बिना पेयर के मिले तो उसको अपन बोलते हैं हैप्लॉयड, और अगर पेयर में मिले तो डिप्लॉयड। डी मतलब टू और प्लॉयड, टू के पेयर में डिप्लॉयड और एक के में हैप्लॉयड। ठीक है, ये टर्म्स हैं, याद रख सकते हो तो रख सकते हो, उतना डायरेक्टली नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, अब नंबर ऑफ क्रोमोसोम, कुछ कुछ ऑर्गेनिजम्स में आपको किस किस के ध्यान रखने हैं। ह्यूमंस के याद रखने हैं 46, यानी 23 पेयर्स। ठीक है, ऐसे ही चिंपैंजी में क्या है, ह्यूमन से दो ज्यादा 48, और यहाँ पे दो कम रेबिट में 44। तो दो कम दो ज्यादा याद रख लेना और ह्यूमन्स का याद रखना। ठीक है, फिर अपना यहाँ पे आता है न्यूक्लिक एसिड। तो न्यूक्लिक एसिड क्या है, न्यूक्लिक एसिड क्या है, इट इज अ बेसिकली वही कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड है। इसमें आपका क्या है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन है। देखो कितना ब्यूटीफुल ये प्रोसेस रहता है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन आपके न्यूक्लिक एसिड में होती है। न्यूक्लिक एसिड एक सेल से दूसरी सेल में ट्रांसफर हो जाता है ये डिवीजन के बाद, यानी दो सेल्स में। अब ये दो की चार बन जाएंगी, चार की आठ बन जाएंगी, और फिर उन्हीं से ही सारा का सारा एक ऑर्गेनिज्म बनता है। ठीक है, तो जो भी है, मतलब आप, मैं और सब जो भी बैठे हुए हैं, तो सबके अंदर एक एक टाइम पे वी ऑल वर अ सिंगल ऑर्गेनिज्म। और जो इंफॉर्मेशन आई है, पेरेंटल इंफॉर्मेशन, हाफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम मदर और हाफ फ्रॉम फादर, तो उनका जो न्यूक्लिक एसिड था वो आया और फिर यहां से आके आगे चेंजेस शुरू हुए। अब ये अपना, जैसे अपने पास होता है डीएनए, डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, और फ्रेडरिक मिशवर, इसने सबसे पहले आइसोलेट किया था डीएनए को, ये हो गया। अब यहां पे तीन बेसिक चीजें होती है, देखो ये होता है डबल हेलिक्स की फॉर्म में ऐसे। ठीक है, ये इसकी स्ट्रक्चर है। यहाँ पे नाइट्रोजन बेसिस होता है, नाइट्रोजन के बेसिस होते हैं, और एक शुगर होती है जो यहीं पे कनेक्ट होती है कहीं, ऐसे मान लो शुगर सी। ठीक है, शुगर कनेक्ट होती है, और ये फॉस्फेट के ग्रुप्स होते हैं बीच में। अब इसमें ये और ज्यादा डिटेल हो जाता है, नाइट्रोजन जो बेस है वो आपके दो टाइप के होते हैं, प्यूरिन्स एंड पिरामिडिन्स। अब इसी में प्यूरिन्स दो टाइप के होते हैं, एडिनिन एंड ग्वानिन। ठीक है, ए जी सी टी। प्यूरिन एक होता है, पिरामिडिन एक होता है, हमेशा प्यूरिन और पिरामिडिन का ही पेयर बनेगा। ठीक है, तो आपने फोर काइंड ऑफ ये हो गए न्यूक्लियोटाइड जो डीएनए में होते हैं, एडिनिन, ग्वानिन, साइटोसिन एंड थायमिन। जो आपका आरएनए होता है, आरएनए में एक एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा यानी यूरेसिल होता है। ठीक है, तो यूरेसिल एक रहता है, बस वो अपना आ जाएगा, और अभी आगे देखते हैं चलो इसको। अब ये जो स्ट्रक्चर है, वॉटसन एंड क्रिक ने बताया था कि भाई ये जो स्ट्रक्चर होती है डीएनए की, ये होती है डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर। तो ये चीज याद रखनी है, ये भी सवाल आपका बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे जैसे शुगर है और नाइट्रोजन बेस है, वो बनाता है न्यूक्लियोसाइड, और न्यूक्लियोसाइड में जब फॉस्फेट ऐड हो जाता है तो न्यूक्लियोटाइड। तो न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड ये बेसिक अपनी स्ट्रक्चर है। देखो ए हमेशा टी के साथ, ठीक है, ए पेयर्स विद टी। अब इसको याद कैसे रख सकते हैं, जैसे मेरा नाम है AMIT, तो ए और टी, तो ए पेयर्स विद टी। ठीक है, और जो बाकी बच गया सी और जी। ठीक है, साइटोसिन पेयर्स विद ग्वानिन, ये ध्यान रखेंगे। अब जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं ए और टी के बीच में, आपके जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं वो होते हैं टू। ठीक है, देखो AMIT दो नाम है, एम और आई दो है, तो ऐसे याद रख लो। एक ट्रिक से बनाने की कोशिश कर रहा हूँ कि भाई ए और टी के बीच में कितने हैं, दो। तो ए और टी के बीच में बॉन्ड कितने हो गए, दो, जबकि साइटोसिन और ग्वानिन के बीच में कितने हैं, तीन। ठीक है, तो ये तीन।
ये अपना हो गया एडेनिन एंड गुआनिन थायमिन, ये हो ही गया, तो ये अपना हो गया। नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स कितना हो गया, गुआनिन एंड साइटोसिन आर 3। ठीक है, एडेनिन पेयर्स विद थायमिन, यहाँ पे कितने हाइड्रोजन बॉन्ड्स रहेंगे, 2। तो ये थोड़ा सा याद रख लेना, इतना डिटेल में पूछा भी जा सकता है क्योंकि ये बहुत कॉमन सी चीजें हैं, एडेनिन गुआनिन साइटोसिन थायमिन बायोलॉजी के हिसाब से, बिकॉज दीज आर द बेसिक फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ लाइफ, तो यहाँ से सवाल बनने की संभावना रहती है। ठीक है, अब इसका फंक्शन क्या है, सिंपल सा, इसमें आपकी सारी की सारी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है और वही जेनेटिक इन्फॉर्मेशन आपके एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हाइट, इंटेलिजेंस या कुछ भी एनीथिंग, जैसे नाक कान आपका मदर फादर से मैचिंग करता हुआ सा मिलता है ना, तो वो भी आपकी इन्फॉर्मेशन कहाँ से आती है, इसी डीएनए से। ठीक है, और सेकेंड जो इसका काम होता है, डीएनए से आपका आरएनए बनता है। ठीक है, डीएनए मेनली आपका कहाँ मिलेगा, न्यूक्लियस में, और कुछ कुछ अमाउंट आपकी कहाँ मिल सकती है, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट। तो अगर सवाल पूछा जाए कि ऑल ऑफ द डीएनए प्रेजेंट ओनली इन द न्यूक्लियस, तो ये स्टेटमेंट गलत होगी, और या फिर मतलब इस टाइप से ध्यान रखेंगे। ठीक है, यहाँ पे फिर आपका है कि फॉस्फोरस, चलो ठीक है इतना छोड़ो। जीन, जीन अपन बोलेंगे, जीन इज द हेरिडिटरी यूनिट जो डीएनए की बनी हुई होती है और क्रोमोसोम में मिलती है। अब ये तो हो गया डीएनए, अब अपने पास आता है आरएनए, राइबोक्सी न्यूक्लिक एसिड। तो इनमें अलग अलग शुगर है, देखो ये पे फॉस्फेट तो होगा ही होगा, वहां भी होगा, नाइट्रोजन बेसिस भी होंगे, और यहाँ पे होता है राइबोज शुगर, राइबो न्यूक्लिक यानी राइबोज शुगर। डीएनए में क्या होता है, डीऑक्सी राइबोज शुगर। ठीक है, गुड इवनिंग अमित, मेरी नाक की शेप मेरे दादा से मिलती है, चलो अच्छी बात है अंजलि। तो वो कहां से आया है, आपके जीन से यानी डीएनए से, दादाजी का डीएनए आगे होगा। ठीक है, घूमता फिरता ये है। ओके, तो इसमें फिर अपना क्या है नेक्स्ट, राइबो न्यूक्लिक एसिड, एक सेकेंड, आरएनए इज ऑफ थ्री काइंड्स इसमें, हाँ जैसे टी, सिर्फ टी को हटा दो बाकी सारे सेम, थायमिन की जगह यहाँ पे क्या होता है यूरेसिल। ठीक है, तो ये हो गया वो, तो टी को हटा देंगे तो यू, मतलब थायमिन को हटाते ही यू आ जाएगा। ठीक है, बस 2 मिनट और रुक जाओ युविका, बस इसको आरएनए को खत्म करके कर रहे हैं। देखो आरएनए में है अपना एम आर एंड टी, एम टी आर, देखो मैंने ट्रिक बताई थी एम टी आर की। ठीक है, तो यहाँ पे अपने पास 3 आरएनए होते हैं, एम आरएनए यानी मैसेंजर आरएनए जो मैसेज लेके जाता है एक डीएनए से आरएनए की तरफ, तो ये हो गया मैसेंजर आरएनए। एक होता है आर आरएनए, आर फॉर राइबोसोमल्स, तो जो अपन ने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे राइबोसोम्स देखे थे, तो वो आपका यहाँ पे जाएंगे आर आरएनए पे। ठीक है, ओके भूमिका, प्लीज गो एंड टेक केयर ऑफ योर मदर। थर्ड जो हमारा आ रहा है वो है टी आरएनए यानी ट्रांसफर आरएनए, ये कैरियर होता है एमिनो एसिड का और ये ट्रांसफर करता है बेसिकली, और इसी से ही सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन में हेल्प मिलती है टीआरएनए से। हिस्टोन नहीं आया कहीं, हिस्टोन आ जाएगा बाद में, हिस्टोन अभी अपने को देखने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, वो बाद में आएगा तो आएगा, नहीं आएगा तो नहीं आएगा, नहीं देखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो डिफरेंस बिटवीन डीएनए एंड आरएनए क्या है, शुगर कौन सी है डीऑक्सीराइबोज, और आरएनए में क्या है राइबोज, यहाँ पे क्या है ए टी और ए ओ टी के बीच में बॉन्ड डबल, और टी की जगह यहाँ पे क्या है यूरेसिल, यहाँ पे डबल स्टैंडर्ड है डबल स्टैंडर्ड, यहाँ पे सिंगल स्टैंडर्ड यस सिंगल स्टैंडर्ड। ठीक है, ये न्यूक्लियस में मिलता है डीएनए मेनली, और ये न्यूक्लियस में मिलता है और साइटोप्लाज्म में भी मिलता है। तो कल अपन कंटिन्यू करेंगे यहां से 24th को, जैसे मैंने आगे भी प्रिपेयर किया था बहुत ज्यादा, बट लेट इट बी, इतना ही हो पाएगा। ठीक है, गुड इवनिंग पोट्री बाय बीबीएन, दिस इज इट। ठीक है, तो अभी अपन इसको खत्म करते हैं, एंड युविका प्लीज डोंट टेक इट अदरवाइज, एंड आई एम सॉरी दैट आई शाउटेड, बट वो उस टाइम पे थोड़ा सा फ्लो ऊपर नीचे हो रहा था, अगर आपको बुरा लगा हो तो आई एम रियली सॉरी, लेट इट बी। कोरोना वायरस में म्यूटेशन होने की लिमिट तो होनी चाहिए, देखो निभा यही चीज अभी अपन डिस्कस कर रहे थे, वैसे आगे आने वाली थी, इसको अपन देख लेते हैं। देखो कोई ऐसी लिमिट नहीं होती है, जो वायरस होते हैं वायरस आर लिमिटलेस। ठीक है, इसमें ऐसी कोई भी लिमिट नहीं रहेगी,
अब वो जितना भी चाहे उतना आपका म्यूटेशन, क्योंकि वो बहुत सारे एनवायरनमेंट से आपका इंटरेक्ट करता है, जितना आप उसको एनवायरनमेंट देते जाएंगे उतना ही वो इंटरेक्ट करता जाएगा। वायरस को बोला जाता है इट इज लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग, ठीक है, तो लिविंग और नॉन लिविंग का लिंक इसको बोला जाता है, तो उसमें अनलिमिटेड, इसीलिए दिक्कत हो रही है। देखो होता क्या है, जैसे बहुत सारे लोग आउटसाइड आ गए थे एनी रीजंस, मैरिजेस या फिर पार्टीज या फिर जो रैली वगैरह अपनी थी, तो वो तो उनकी वजह से क्या हुआ, पहले ये बहुत ही कम वायरलेंट था, अब एक दूसरे से दूसरे दूसरे से तीसरे तीसरे से चौथे आदमी में गया, और वहां पे अगेन किसी ने एंटीबायोटिक ली किसी ने नहीं ली, और उसमें फिर जो रेजिस्टेंट स्ट्रेन अब आने लग गए हैं, और इसीलिए अब जो वायरस आ रहा है इट इज वेरी वेरी डेंजरस। एनी अपडेट अबाउट सुपर 45 बैच? सारी की सारी अपडेट अबाउट सुपर 45 आपको 26th को मिल जाएंगे, ठीक है, 26th, 25 या 26th। टेस्ट कब होगा, कैसे होगा, कौन कौन से सब्जेक्ट्स आएंगे, 5 दिन पहले हम अपडेट कर देंगे, ठीक है। तो जीन्स किसका पार्ट है? भारती क्या क्वेश्चन पूछना चाहते थे? और यूवी डीएनए और आरएनए, जीन्स दोनों में है यूवी का, डीएनए में भी जीन्स होगी, ठीक है, और आरएनए में भी जीन्स, इन्हीं के ही थ्रू, डीएनए और आरएनए के थ्रू ही जाती हैं, इसके अंदर होती हैं, जैसे 30,000 जीन्स, ठीक है, वो इसी के अंदर होती हैं। सर अभी तो हमने देखा डीएनए इज प्रेजेंट इन न्यूक्लियस आल्सो फाउंड इन माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट, बट टेबल में लिखा है बट न्यूक्लियस, वो जो अपना वो न्यूक्लियर मटेरियल है भारती जो इसकी आप बात कर रहे हो, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में आपका न्यूक्लियर मटेरियल मिलता है, और जो न्यूक्लियर मटेरियल वहां पे मिलता है दैट इज आपका वो रहेगा जो साइटोप्लाज्म और उसका रहता है, वहां पे मोस्टली आरएनए रहता है, इसलिए उसको प्रोकैरियोट ऑफ यूकैरियोटिक सेल भी बोलते हैं, ठीक है। मेजरली लिखा हुआ है मेजरली आपका न्यूक्लियस में ही मिलता है डीएनए, ठीक है, मेनली के हिसाब से ध्यान रखना है। ठीक है, अब अपन इसको वाइंड अप करते हैं, ओके, सो दिस इज इट। कल सुबह मॉर्निंग में मिलते हैं 6 o'clock विद केमिस्ट्री, अभी केमिस्ट्री का अपना नेक्स्ट लेक्चर होगा, सो सी यू। वायरस के बहुत सारे सिम्टम्स आ रहे हैं, अलग अलग काइंड के सिम्टम्स आ रहे हैं सुश, तो वो भी ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, रिपोर्ट पॉजिटिव के बिना भी आपके सिम्टम्स आ सकते हैं और बिना उसके भी आ सकते हैं, ये चलता है, ये वेरिएशंस होते हैं, ऐसा कुछ फिक्स रूल नहीं होता कि रिपोर्ट ही आएगी, ठीक है। चलो ठीक है यार विकास, जय हिंद, सुबह मिलते हैं, सी यू टुमारो, एंड टिल देन स्लीप टाइट, टेक रेस्ट एंड जय हिंद।